सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में फोर्थ पार्ट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का। ओके, इसके पहले तीन वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस, और उनकी लिंक ऊपर आई बटन में दी हुई है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। देखिए, इन्वायरमेंटल कंजर्व क्यों करना है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ओके, कि इन्वायरमेंटल को क्यों कंजर्व करना है, इन्वायरमेंट को क्यों बचा के रखना है, क्यों उसे संभाल के रखना है। अब साथ में हम उसके साथ साथ अब बात करने वाले बायोडायवर्सिटी पर। तो स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ में बायोडायवर्सिटी बहुत सारी है, बहुत सारी डायवर्सिटीज देखी जाती है एनिमल पर, स्पीशीज पर, प्लांट पर, बहुत सारी बर्ड्स पर, उनके जो हैबिटेट है उन पर बहुत सारी ऐसी बायोडायवर्सिटीज देखी जाती है। और उसी बायोडायवर्सिटीज को रिलेटेड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर हम इस वीडियो में बात करने वाले। सो मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑक्यूर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो मतलब इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन फैल रहा है, जो पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, इस पॉल्यूशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। सो हैव यू सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इन योर एरिया? क्या इसका कोई एग्जाम्पल आपने अपने एरिया में देखा है? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज आप देखिए कि आज की कंडीशन ऐसी है कि बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत कम हो गए। पहले हर जगह क्रॉ जो होते थे, कौवे, वो हर जगह दिखाई देते थे। आजकल उनकी स्पीशीज कम होती जा रही है ना, टाइगर की स्पीशीज कम होती जा रही है। सो अवर लिविंग बर्ड, जो हम सारस बोलते हैं, शुतुरमुर्ग, उनकी स्पीशीज तो बहुत ही कम है ऐसे बर्ड्स की। सो तो ये रेयर एनिमल या रेयर बर्ड में आ रहे हैं। सो अवर लिविंग बर्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स। हमारा जो लिविंग बर्ड है, हमारी जो अर्थ है, ये बहुत, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। इट कंसिस्टेड ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल। हमारे अर्थ में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट है और अलग अलग तरह के एनिमल है, और उनकी बहुत सारी स्पीशीज है। However, we are not able to see some species animal about which we had listened from our earlier generation. Who is responsible for this? अब बहुत सारे species ऐसे हैं जिनका हमने नाम सुना है पर उन्हें हमने देखा नहीं है। अब वो जो diversities है, वो जो species है, वो इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। इसके लिए कौन responsible है? या फिर आज की जो हमारी एक्टिविटीज है, जो रेयर एनिमल है अवेलेबल, जैसे टाइगर है, लायन है, ये जो रेयर एनिमल है, ये आजकल बहुत कम है, इनके नंबर्स बहुत कम है, आगे जाके ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे, लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, तब हमारी जो फ्यूचर के जो हमारी जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी इन सब बातों के लिए? तो इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। मैन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज ह्यूमन बींग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने अपने यूज के लिए इन एनिमल को हंटिंग कर करके खत्म कर दिया। सो बायोडायवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडायवर्सिटी नेचर में, मतलब ये नेचर को रिचनेस बनाता है, नेचर को रिच बनाता है कि हमारे नेचर में बहुत सारी बायोडायवर्सिटीज है, बहुत सारी वेराइटीज है ऑर्गेनिजम्स की। सो इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ स्पीशीज, बायोडायवर्सिटी ऑक्यूर एट अ थ्री डिफरेंट लेवल। अब देखिए, इकोसिस्टम और जेनेटिक वेरिएशन, इकोसिस्टम भी है और जेनेटिक वेरिएशंस भी है स्पीशीज में, और इसी के कारण बायोडायवर्सिटी जो है ये तीन अलग अलग लेवल पर पाई गई है। That is genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. अब देखिए, genetic diversity, हमारे genes में तो बहुत सारे diversity आती है, क्योंकि एक होता है male और एक होती है female. It's a male, it's a female. इनसे होने वाला जो छोटा baby होगा वो exactly इन दोनों के जैसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि इनके कुछ genes इसमें जाएंगे पर 100% नहीं जाएंगे, इनके जीन्स जो होंगे डिफरेंट होंगे। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, हर लेवल पर जेनेटिक डायवर्सिटी हो रही है, जेनेटिक
जेनेटिक बदलाव होते जा रहा है। सो एग्जाम्पल ईच ह्यूमन बींग इज अ डिफरेंट फॉर्म ईच अदर, इसलिए हर ह्यूमन बींग एक दूसरे से अलग है, हर किसी का चेहरा अलग है। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइज इफ देयर इज डिक्रीज इन डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट स्पीशीज, मतलब स्पीशीज जो है वो वाइपिंग आउट मतलब खत्म होती जा रही है, इफ देयर इज डिक्रीज इन अ डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज थ्रू मेंबर इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते जा रहा है और नए नए जो जनरेशन है वो आते जा रही है, और एक हर जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट से एक हल्का सा डिफरेंस शो करती है, और ये डिफरेंस आगे जाके बढ़ता चला जाता है, तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे। सो इननंबरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूर इन नेचर, नेचर में असंख्य स्पीशीज है, असंख्य वेराइटीज है, ओके, असंख्य इननंबरेबल प्रकार है किसके, ऑर्गेनिजम्स के, जिसे हम तो कई के नाम भी नहीं जानते। दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसी को हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी में प्लांट भी इंक्लूड है, एनिमल भी इंक्लूड है और माइक्रोब्स भी इंक्लूड है। और इतने सारे नंबर्स ऑफ प्लांट है, क्या हम सभी प्लांट्स के बारे में जानते हैं, नहीं, क्या हमने सभी प्लांट्स को देखा है, नहीं, बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे माइक्रोब्स है। सो इको, तो ये होगी स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब आइए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें, तो देखिए सबसे बड़ा अगर इकोसिस्टम कोई है तो वो है हमारी अर्थ, पर इस अर्थ के अंदर भी बहुत सारे इकोसिस्टम है, जैसे कि हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में, मतलब पिछले मतलब फर्स्ट वाले वीडियोस में हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए एक कोई एरिया है, ये एक कोई बड़ा सा एरिया, इस एरिया में अगर कोई छोटा सा एक तालाब है, पॉन्ड है, लैक है, तो ये जो तालाब है ये खुद में अपना एक स्पेशल एक परफेक्ट इकोसिस्टम है, इसका खुद का एक इकोसिस्टम है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स हमारे प्लांट हमारे प्लैनेट पर है। सो मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन, इकोसिस्टम इज अ फॉर्म थ्रू द इंटरैक्टिव बिटवीन प्लांट एनिमल देयर हैबिटेट एंड चेंज इन अ एनवायरमेंट। इकोसिस्टम जो है ये बनता है किससे, कि एनवायरमेंट में क्या बदलाव हो रहा है, वहां पर कैसे प्लांट है, कैसे एनिमल है, और उनका रहन सहन कैसा है, वो किस तरह से रहते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है वहां के एनवायरमेंट पर। अब देखिए हमारे एरिया में जंगल है ग्रीन, और पोलार रीजन में पूरी बर्फ है, पर वहां पर भी बियर है और यहां पर भी बियर है, भालू वहां पर भी, भालू यहां पर भी है। तो यहां पर देखिए दोनों तो प्राणी एक ही है, पर दोनों ने अलग अलग तरह से रहना सीख लिया, दैट इज दोनों का इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट है। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल प्लांट माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर। देखिए हर एक इकोसिस्टम में हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, हर एक इकोसिस्टम में मतलब जो इकोसिस्टम होगा इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग एनिमल होंगे, एनिमल के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस इकोसिस्टम में जो एनिमल जीवित रह पाएगा, उस इकोसिस्टम को जो उस इकोसिस्टम में जो सर्वाइव कर पाएगा वही उस इकोसिस्टम में रहेगा। तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग एनिमल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग माइक्रोब्स होते हैं। अब देखिए जहां पर बर्फ गिरती है वहां के पेड़ कैसे होते हैं, क्रिसमस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे वहां के प्लांट होते हैं, ओके, जिसे हम क्रिसमस ट्री कहते हैं। भाई ऐसे प्लांट क्यों होते हैं वहां के, कभी आपने सोचा है, क्योंकि देखिए हमारे इधर जो पेड़ होते हैं वो ऐसे होते हैं, अब बर्फ गिरेगी तो इनकी पत्तियों पर रुकी रहेगी, और यहां पर बर्फ गिरेगी तो क्या होगा, प्लांट पर नहीं रहेगी, वो सीधा नीचे गिर जाएगी। तो देखिए यहां पर अगर, तो इस तरह से क्या हुआ है कि उन प्लांट ने खुद को डेवलप कर लिया है उस प्रकृति की तरह, मतलब उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए। So, ecosystem are also two type, are natural and artificial. तो ecosystem के भी दो type होते हैं, एक है natural ecosystem and another is artificial ecosystem. There should be positive attitude of human being towards the environment for welfare of entire living organism. मतलब हमारा जो पूरा का पूरा entire living organism है, इस living organisms के लिए human का, हमारे जो environment के लिए human का जो attitude है वो कैसा होना चाहिए, positive होना चाहिए, मतलब environment के प्रति eco-friendly हमारा positive attitude होना चाहिए। For this purpose, following rules are important. और इसलिए कुछ rules important है। You can be
कंजर्वेटर, आप कंजर्वेटर हो सकते हैं। कंजर्वेटर मतलब जैसे हमने इसके पहले एक महान इंसान के बारे में पढ़ा था, मुलाई पेयांग के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है, खुद पेड़ लगाता है, उसे हम कंजर्वेटर कहते हैं। ऑर्गेनाइजर, जो ऐसा करने के लिए ऑर्गेनाइज करता है कि हमें मान लीजिए एक प्लांटेशन प्रोग्राम कराना है, तो उनकी जो टीम होगी वो ऑर्गेनाइजर होंगी। गाइड, प्लांट को क्यों लगाना है इसके लिए किसी को गाइड करना, दैट इज टीचर या फिर वो गाइडेंस। और प्लांट फ्रेंड, जिसे जो जिसे कहते हैं जैसे स्नेक फ्रेंड होता है, ओके, सर्प को मित्र, वो क्या करता है, स्नेक को मारता नहीं, बचाता है। वैसे प्लांट फ्रेंड क्या कहेगा, वो प्लांट उगाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएगा। सो ये इनमें से हमारे जो है पार्ट होने चाहिए। सो डिस्क्राइब अबाउट द रोल यू विश टू परफॉर्म एंड योर प्लांट फॉर दैट रोल। तो देखिए, आप अपना रोल खुद चुनिए इस नेचर के लिए, कि आप नेचर के लिए अपना क्या रोल निभाना चाहते हैं। ओके, मतलब आप अपनी कौन सी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं इस नेचर के लिए। अब यहां पर देखिए, एक चीज हम पढ़ने वाले जाते हैं, सैक्रेड ग्रुव्स। सैक्रेड मतलब होता है धार्मिक, और ग्रुव्स यानी एक जंगल जिसे हम कह सकते हैं। ओके, तो सैक्रेड ग्रुव्स, धार्मिक एरिया। तो कैसा होता है स्टूडेंट्स, द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रुव्स। दिस एरिया इन फैक्ट सेंचुरीज conserved by society and not by government forest department. As it has been conserved in the name of God, it has special protection. These cluster of thick forest are present not only in a western Ghat of India but entire the country. अब देखिए कि हमारे इंडिया में या फिर बहुत सारी जगह पर sacred groves बनाए गए, मतलब किसी जंगल में एक मंदिर बनाना, पहाड़ पर एक मंदिर बनाना और उस एरिया को भगवान के नाम पर कंजर्व कर देना। ओके, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता, पर जो सोशल एक्टिविटीज होती, जो सोसाइटी होती है, उस ये रूल को चलाती है और भगवान के नाम पर उन जंगल को कंजर्व कर दिया जाता है। ओके, जिससे क्या होता है कि वो जो फॉरेस्ट वो वैसा ही रहता है और उसको उसे काटना या उसे नष्ट करने की कोई परमिशन नहीं मिलती। सो मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रुव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। हमारे भारत में ऐसे 13,000 जंगल है जो भगवान के नाम पर कंजर्व करके रखे गए हैं। सो और हमारे महाराष्ट्र में ही लगभग 2,000 के ऊपर है। ओके, 2,100 कुछ है। सो वेयर आर सच सैक्रेड ग्रुव इन महाराष्ट्र। ओके, ऐसे सैक्रेड ग्रुव्स महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं और वो लगभग 2,000 से ज्यादा है। तो मेक अ लिस्ट, विजिट विथ योर टीचर्स। तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। सो एनलिस्ट एंड डिस्कस। देखिए, सम सिंबल्स आर गिवन बिलो। कुछ यहां पर सिंबल्स दिए हुए, फाइंड द मीनिंग ऑफ दो सिंबल्स। उन सिंबल्स के आपको मीनिंग फाइंड करने हैं इन अ रिलेशन टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ये इनमें क्या रिलेशन है इसके बारे में बताना है, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच सिंबल। और इसके अलावा भी जो सिंबल्स है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारा सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक के बाद ग्लास, उसके बाद ई वेस्ट, ये सब सॉलिड है। अब इनको इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेस्ट करना, उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डस्टबिन में रखना, ये जरूरी है, क्योंकि हम इसे रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस कर सके। ओके, सो उसके बाद है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। अगर आप ग्रीन एनर्जी का यूज करते हैं तो अब ग्रीन एनर्जी मतलब अब इसमें जैसे सीएनजी जो है, सीएनजी गैस जो है, या फिर एलपीजी है, सीएनजी है, इन सब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को ऐसा यूज कीजिए, मतलब इस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए जिससे पेट्रोल फ्यूल ना चले, मतलब बाइसिकल है इस तरह के, जैसे आप कहीं जाते हैं आप अच्छी गाड़ी खरीदने से अच्छी बाइसिकल खरीदिए ना, और उससे आप अपने ऑफिस जाइए तो क्या होगा, या फिर आप बैटरी वाली आजकल गाड़ी आ गई है उसे यूज कीजिए, तो सीएनजी मतलब इससे सीएनजी भी बचेगा और पेट्रोल भी बचेगा, मतलब फ्यूल पूरा बच जाएगा। ओके, सेव वाटर इसे कहते हैं। ओके, ये जो सिंबल है ये सेव वाटर का, वाटर को सेव करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमारे घर तक जो वाटर आता है इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, और इस वाटर को सेव करना, जहां तक कि हमारी ये भी जिम्मेदारी है, इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर वो इंसान की जिम्मेदारी है
कि जो वाटर जो आता है ओके बारिश का पानी, इसे कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। मुंबई में एक पर्सन है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उनके बारे में मैंने न्यूज में पढ़ा था और न्यूज में देखा था। उन्होंने क्या किया था पता है, वाटर को कंजर्व करने के लिए, देखिए मुंबई में पूरा खारा पानी है ओके, समंदर है, तो वहां पर ना जो मीठा पानी होता है जिसे हम जो ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, उसकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत है। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो ये बिल्डिंग है ओके, उनका ये घर है, ये उनकी बिल्डिंग है, उन्होंने अपने बिल्डिंग को बनाने से पहले नीचे एक बहुत बड़ा, जितना उनका प्लॉट एरिया उतना बड़ा एक यहाँ पर गड्ढा बनाया था ओके, बेसमेंट बनाया था, और उस बेसमेंट के ऊपर उन्होंने स्लैब बनाया और उसके बाद उन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी की। अब क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो छत पर पानी गिरता है, तो यहां से जो पाइपलाइन है उन्होंने यहां पर लगा दिया, तो बारिश में जितना भी पानी होता है वो इस बेसमेंट में आके जमा हो जाता है, और इस बेसमेंट का के में जो वाटर रिजर्व होता है, इस रिजर्व वाटर का यूज ये पूरे ईयर के लिए करते हैं, मतलब पूरे साल भर वो पानी पी सकते हैं, इतना पानी वो स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वाटर को स्टोर करके रखें। सो हाउ कैन बायोडायवर्सिटी बी कंजर्व, बायोडायवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, किस तरह से बचाया जा सकता है। सो प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे रेयर स्पीशीज जैसे टाइगर है, टाइगर के जैसे रेयर स्पीशीज और उनके जैसे जो रेयर ऑर्गेनिजम्स है, इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारे, क्योंकि हमारे आने वाली फ्यूचर्स भी उन्हें देख सके और उनके बारे में नॉलेज ले सके। एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, अब यहां पर क्या करना है कि हमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनानी है ओके। नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाएंगे तो वहां पर एनिमल्स भी रहेंगे, और वहां पर एनिमल्स रहेंगे तो एनिमल्स के नंबर्स भी बढ़ेंगे, और फॉरेस्ट भी बढ़ते रहेंगे तो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बनता रहेगा। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज अ बायो रिजर्व, कुछ रीजन्स को, कुछ क्षेत्र को आप बायो रिजर्व कर लीजिए। बायो रिजर्व मतलब उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, वो सिर्फ एनिमल के लिए है ओके, ना वहां पर हंटिंग होगी और ना ही वहां पर कोई ट्री कटिंग होगी। सो फोर्थ फोर्थ नंबर, प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, जो स्पेशल स्पीशीज है, ऐसे स्पीशीज जो खत्म होते जा रहे हैं, उन स्पेशल स्पीशीज को बचाए रखना, जैसे इसमें टाइगर्स भी आते हैं। कंजर्व ऑल प्लांट एंड एनिमल, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उन सभी को कंजर्व करना ओके। ऑब्जर्विंग द रूल्स, जो भी रूल्स है उन रूल्स को बारे में समझना और उसे फॉलो करना। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है उसे मेंटेन करके रखना, क्योंकि आज तो हम साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं पर उन्होंने जो बातें हमें बताई है उन सभी बातों को समझना और उनके रिकॉर्ड बना के रखना, क्योंकि पूर्वजों की बताई हुई चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट, टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल एंड रेगुलेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इन दिस लेसन मेनी पीपल इन द सोसाइटी एंड वॉलंटरी कमिंग टूगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। मेनी इंस्टीट्यूट एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क। देखिए अभी तक के हमने क्या पढ़ा था, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारी मेनी पीपल इन द सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पीपल्स है, वॉलंटियर्स है, जो एक साथ आ रहे हैं और एक अपना नोबल वर्क कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। और इसके इसमें कुछ स्टेट है, कुछ नेशनल लेवल के हैं, कुछ इंटरनेशनल है, मतलब स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में मदद कर रही है। तो आइए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में देखेंगे। तो वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया में ही है, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई ओके। उसके बाद सीपीआर इन्वायरमेंटल ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंटल सेल दिल्ली ओके। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। चिपको सेंटर थेरी गरवाल, उसके बाद सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, केरला में है, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम। उसके बाद है इंडियन एग्रो इंस्टीट्यूट फाउंडेशन पुणे। उसके बाद है विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद। उसके बाद है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे तो वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ओके, ग्लैंड
वीडी स्विट्जरलैंड में है ये। उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज आईपीसीसी, ये है जेनेवा में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी जेनेवा में है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये है न्यूयॉर्क में, ओके न्यूयॉर्क। उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये है कैम्ब्रिज में। उसके बाद एक ग्रीन क्लाइमेट फंड ओके जो है सोंगडो, ओके जो एस कोरिया मतलब साउथ कोरिया में है। उसके बाद ग्रीन पीस इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है ग्रीन पीस, ओके ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंगेज द इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी को एंगेज करती है। मोर देन 25 लाख पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 26 अलग अलग देशों में से कुल मिलाकर 25 लाख लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ अबाउ मेंशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से काम करती है, इसके बारे में आप इंटरनेट से और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थिंक एंड आंसर, अटेम्प्ट अ वेरियस लेवल अ परफॉर्म फॉर कंजर्विंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। रोल ऑफ द पर्सन इज डिफाइंड एज पर दिस लेवल, इस लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों के अलग अलग मतलब ये है, यहाँ पर रोल है कि आप किस तरह से कौन से रोल को आप फॉलो करना चाहोगे। सम रोल्स आर गिवन बिलो, बहुत सारे रोल्स है, विच रोल वुड यू लाइक टू बी फॉर्म एंड परफॉर्म, मतलब देखिए ये है माय रोल इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए ये मेरे रोल्स है, ओके, इन रोल को मुझे प्ले करना है, इस एक्ट को मुझे प्ले करना है, ये मुझे इन्वायरमेंट के लिए करना है ताकि मैं अपने इन्वायरमेंट को बचा सकूं। तो इनमें से आप कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे, कौन सा रोल प्ले करना चाहोगे कि इन्वायरमेंट कंजर्व हो सके बचा रह सके, तो इनमें से आपको अपना रोल चुनना है। मैं इन सभी रोल्स के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद मैं खुद के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन सा रोल प्ले करना चाहूंगा। सो पहला कंजर्वेशन, कंजर्व द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेस हमारे पास बचा है उसे बचाकर रखना, कंजर्व करके रखना है। कंट्रोल प्रिवेंटिंग द हार्म, ओके जो एनवायरमेंट को हार्म हो रही है उस चीज को पर कंट्रोल करना। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटी को बंद करवाना। चेंज द माइंड माइंडसेट, मतलब लोगों का माइंडसेट बनाना इन्वायरमेंट के प्रति, लोगों को जागरूक करना। उसके बाद प्रोडक्शन रिवेल ऑफ हार्मफुल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ओके रिवाइवल मतलब जो हार्मफुल फैक्टर्स है इन्वायरमेंट के, ओके उसे ना होने देना, उस चीजों को ना बनाना या फिर उन्हें रिसाइकल रियूज और रिड्यूस करना। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, कुछ नई चीज करना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। उसके बाद प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग वाट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, मतलब जो भी बचा हुआ है हमारे पास प्रकृति से मिला हुआ उसे संभाल के रखना। रिमिडाइज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसे रोकने पर उपाय करना, उपाय योजना करना कि प्रकृति का नुकसान ना हो। प्रिजर्विंग अननोन रीजन, मतलब जो ऐसे क्षेत्र है जो अननोन है, जहां पर लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, ओके उस क्षेत्र को वैसे ही रखना, उसे प्रिजर्व करके रखना ताकि वहां पर इन्वायरमेंट मतलब अच्छा रह सके और प्रकृति का नेचर का बैलेंस बना रहे। उसके बाद माय रोल इन इन्वायरमेंट में, यहां पर क्या है, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अभी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन पॉसिबल हार्म्स, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, मतलब जो भी हार्म हो रहा है ओके नेचर को हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से उसे रोकना। डिजाइनिंग न्यू प्लांट, नए नए प्लांट डिजाइन करना, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है ये। फैक्टर्स हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, जो फैक्टर्स है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल, इसे रोकना, इसे बंद करना। अब लास्ट है अवेयरनेस, ओके अब अवेयरनेस इसे मैं चुनूंगा, मैंने बताया था ना मैं सारी चीजें समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं मेरा रोल क्या है। तो मेरा रोल है अवेयरनेस, मैं अवेयरनेस को चुनूंगा जिसमें मैं लूंगा एजुकेशन और लोगों को दूंगा एजुकेशन कि क्यों इन्वायरमेंट को रोकना है, लोगों को मैं गाइडेंस करना चाहूंगा, ओके लोगों के प्रति मैं अवेयरनेस, इन्वायरमेंट के प्रति मैं जागरूकता फैलाना चाहूंगा। इमिटेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड
पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें मैं करना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मेरा क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस तरह से मैं लोगों को समझाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा, ओके, किस तरह से हम अवेयर करेंगे ताकि लोग अवेयर हो सके, लोगों को एजुकेशन मिल सके। देखिए अभी आप एजुकेटेड हो रहे हैं, आप इन्वायरमेंट के प्रति एक प्यार, एक लगाव, एक जागरूक हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेसन को पढ़ने के बाद आप कभी कोई कचरा या टायर जलाओगे, आप किसी प्लास्टिक को जलाओगे, मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ओके, मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तो यहां से देखो, यहां से इस लेवल से हमारा एजुकेशन शुरू होता है। तो एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं बच्चों कि मतलब गवर्नमेंट ये बताना चाहती है आपको कि नेचर हमारे लिए कितना जरूरी है और उसे हमें किस तरह से कंजर्व करके रखना है, ओके। तो ये था आज का टॉपिक, और इस टॉपिक में ये सारी बातें हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने इस टॉपिक में, हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना और साथ में बायोडायवर्सिटी, इन दोनों को कैसे बचाए रखना। तो आई होप दैट कि आप भी इनमें से कोई एक रोल प्ले करेंगे, एक रूल को फॉलो करेंगे अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और दूसरे अदर पर्सन भी देखने चाहिए कि उनको इन्वायरमेंट के प्रति एक लगाव हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।